एंजाइटी का इलाज बिना दवाई से, इसके बारे में बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एंजाइटी न्यूरोसिस मतलब चिंता, घबराहट, बेचैनी, थरथरी, पसीना आना, ऐसे जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर नाम की जो बीमारी होती है, जिसके बारे में मैंने पहले अलग अलग वीडियोस में जिक्र किया हुआ है, तो उसका इलाज बिना दवाई से कैसे करना या हो सकता है, उसके बारे में अभी जानकारी मैं देने वाला हूँ। एंग्जाइटी न्यूरोसिस यह एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हर वक्त वह व्यक्ति को बहुत ही टेंस महसूस होता है, बहुत ही टेंशन, बहुत स्ट्रेस और बहुत चिंता लगी रहती है। छोटी छोटी बात के ऊपर चिंता है, छोटी छोटी बात के ऊपर निगेटिव विचार है, नकारात्मक सोच है, ओवर थिंकिंग है, और हर बार वो चिंता ही करेंगे और उसको लगता है कि बुरा ही होगा। अब कुछ स्टडीज के मुताबिक इसका इलाज एक तो मेडिसिन से कर सकते हैं और दूसरा इलाज जो है वो नेचुरली कर सकते हैं। कुछ स्टडीज ऐसी बोलती है कि ये जो एंग्जाइटी होती है, यह सेरोटोनिन नाम का जो हार्मोन ब्रेन में होता है या न्यूरोकेमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कम होने से होता है। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये कम होता है सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन की मात्रा हम यदि नेचुरली बढ़ा सके तो हो सकता है कि एंग्जाइटी कम हो जाएगी। जो हम दवाई देते हैं बाहर से, वो दवाई से जो बदन की तकलीफ है एंग्जाइटी की वजह से हुई, वो बदन की तकलीफ ठीक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, थरथरी कम होती है, पसीना कम होता है, घबराहट बेचैनी कम हो जाती है, नींद आती है दवाई से। और अपने को भी कुदरती नेचुरली सेरोटोनिन बढ़ाने का है तो आप बढ़ा सकते हैं। सेरोटोनिन जो तैयार होता है ब्रेन में या बॉडी में, वो तैयार होता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, एक है नॉन इसेंशियल और एक इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ट्रिप्टोफैन जो है इसेंशियल अमाइनो एसिड, ये ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन तैयार होता है और वो ट्रिप्टोफैन हमको बाहर से लेना पड़ेगा। ये इसेंशियल अमाइनो एसिड है और ये प्रोटीन में ज़्यादा होता है। तो ये ट्रिप्टोफैन प्रोटीन्स में ज़्यादा होता है जो इसेंशियल अमाइनो एसिड है, और वहाँ से वो ट्रिप्टोफैन तैयार करता है सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है तो एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी। फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो इसेंशियल अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, वो कहाँ से मिलेगा। तो वो जो इसेंशियल अमाइनो एसिड है, वो ट्रिप्टोफैन जो है वो रहता है अपने कुछ पदार्थों में। वो पदार्थ हम ज़्यादा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जो प्रोटीनयुक्त पदार्थ है उसमें ज़्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल फिश बहुत प्रोटीन है, पनीर, अंडा, ये जो है ये इसमें बहुत प्रोटीन्स है और उसमें फिर ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। वैसे ही वेजिटेरियन जो है उनके लिए बादाम, काजू, फिर केला, बनाना, टमाटर, पाइनएप्पल, अनानास, पाइनएप्पल, तो ये इसमें ज़्यादा ट्रिप्टोफैन होता है। तो ये हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हो सकता है कि एंग्जाइटी के लिए उसका फ़ायदा जरूर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।